ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है नंबर टू और एक है नंबर थ्री। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिन्होंने सिलेक्ट किया है नंबर टू, जान लेते हैं क्या किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। यदि आप काले जादू से परेशान हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा करी हुई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए और आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली एडवाइस की जाएगी रीडिंग के बाद, और वह आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगी। चाहे किसी ने काला जादू किया हो, चाहे आपके घर में फाइनेंशियल की समस्या हो, फाइनेंसेस की समस्या हो, चाहे आपकी जॉब में समस्या हो, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, मैरिज है, शादी नहीं हो रही है घर में, जो भी समस्या है उसके लिए आप मुझे बताइएगा। तो चलिए जानते हैं आज इस रीडिंग में कि क्या किसी ने आप पर काला जादू किया है। यहाँ पर जिन्होंने दो नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। जिन्होंने दो नंबर सेलेक्ट किया है, क्या किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पर हमें मिला है नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड। कोई शैतानी ताकत लगातार आपकी दैविक शक्तियों से लड़ रही है। यहाँ पर मिला है हमें द एम्परर इन रिवर्स। ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये आपकी शक्तियाँ आपसे छीन लेना चाहती है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है, तो कोई आपका शत्रु है जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, जिससे कि आपकी सभी शक्तियाँ आपसे छीन ली जाए। तो यहाँ पर लगातार आपसे लड़ रहा है आपका शत्रु। यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ऐसा भी लगता है कि आपका शत्रु आपसे जीत जाएगा। यहाँ पर रिवर्स में हेरोफेंट कार्ड है। आप बहुत पूजा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माता का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी शक्तियाँ आपके शत्रु से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर रिवर्स में मिला है हमें फोर ऑफ वॉन्स। आपके घर परिवार में आपका जो भी कार्य है उसमें अनस्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक यहाँ पर किया गया है। स्ट्रेंथ कार्ड हमें यहाँ पर मिला है। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, यहाँ पर आपको एक्सीडेंट से अलर्ट है। फोर ऑफ कप्स है। फिर आप ये मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अलर्ट कर रही हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको जो यूनिवर्स दे रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा, जो मैं बता रही हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन यही तो होने वाला है और आपको अलर्ट है यहाँ पर। जिन्होंने भी नंबर दो सिलेक्ट किया है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। अब जान लेते हैं जिन्होंने नंबर थ्री सिलेक्ट किया है, क्या आप पर कर रहा है कोई काला जादू। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में आया है और साथ ही साथ हमें मिला है हैंग्ड मैन, और हैंग्ड मैन रिवर्स में है, द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में है। लेकिन क्या हैंग्ड मैन आपके कार्यों को रोक रहा था। यहाँ पर हमें सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मिला है रिवर्स में। तो यहाँ पर हमें तीन कार्ड्स आए हैं जिसमें हमें तीनों ही रिवर्स में कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर फोर ऑफ कप्स अपराइट में यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत समय से कोई कार्य रुका हुआ है आपका, और वह कार्य जो है वो आपने सोच लिया है कि इस बार अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो आप उस कार्य के पीछे नहीं पड़ेंगे। हो सकता है इस समय आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और लास्ट अटेम्प्ट है आपका, और आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी मैरिज में सेपरेशन चल रहा है और आप एक लास्ट कोशिश करना चाहते हैं उस पर्सन को मनाने की। हो सकता है आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ पर एक लास्ट ट्राई आप कर रहे हैं कि चलो इस महीने और काम करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिसमें आप एक लास्ट मौका दे रहे हैं, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि वो आपका कार्य अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है, पहली चीज़ ये है कि हैंग्ड मैन है लेकिन रिवर्स में है, जिसका मतलब है कि आप जो भी कोशिश कर रहे हैं आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है ज़रूर, लेकिन इसमें भी सक्सेस नहीं दिख रही है। तो चाहे एग्जाम है, चाहे आपकी मैरिज को आप आखिरी मौका दे रहे हैं, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में है, तो यहाँ पर वो चीज़ अभी
आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर आपके ऊपर है, जिसके कारण किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में हो चुका है। मतलब आपकी जो शक्तियां हैं आप रिवर्स में हैं। अगर आप राइट में होते तो आप कामयाब थे, आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन रिवर्स में है तो आपके पास जो कुछ भी है वो धीरे धीरे आपसे छीना जा रहा है नकारात्मक ऊर्जा के कारण, बुरी नज़र के कारण। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी जा रहे हैं और कोई मेजर एक्शन आपने काफ़ी समय से नहीं लिया है, जिसके कारण आपके घर परिवार में फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो ये सब कब होता है? जब किसी की बुरी नज़र लगती है। जान लेते हैं दूसरे डेक से कि क्या आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या सिर्फ ये एक बुरी नज़र है या कोई बुरा साया है आपके साथ। यहाँ पर हमें मिला है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है, ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास चल रही है, कोई साया है आपके आसपास, जिसके कारण आप जब भी मेहनत करते हैं आपको उसका रिजल्ट ही नहीं आता। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अल्टीमेटली यहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है, जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं या फिर जो कॉलेज में हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिपीटेडली एग्जाम देने के बाद भी आपको यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल रही है। ऐसा भी लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और आपको अपने साथ कहीं ले जा रही है। ऐसा लगता है घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं आप और यहाँ पर उस एनर्जी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन ये क्या आपने यहाँ पर, क्योंकि आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसी प्रोटेक्शन है जिससे कि आप अपने आप को इस नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो आपकी माता ने, आपके पिता ने कुछ ना कुछ आपके गले में कोई ऐसा मंत्र ताबीज, ऐसा मंत्र कवच पहना रखा है, जिसके कारण आप यदि उस पर्सन की तरफ खींचे भी जा रहे हैं उस नकारात्मक ऊर्जा की तरफ, तो भी आपके परिवार की स्ट्रेंथ आपको वापस ला रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको वापस खींच रही है एक डिस्ट्रक्शन से पहले। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक हाई प्रिस्टेस है, तो ये वो एनर्जी है, कोई ना कोई पर्सन है जो लगातार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन के द्वारा दिया गया कोई सुरक्षा कवच आपने पहना हुआ है, जिस प्रकार से मैं भी क्लाइंट्स को सुरक्षा कवच प्रदान करती हूँ, वैसा ही कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने किसी गुरुजी से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसी प्रोटेक्शन ले रखी है जिससे कि आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बचे हुए हैं, नहीं तो वो साया तो आपको अपने साथ ले जाता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप देखिए ये जो पानी यहाँ पर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो ये साए होते हैं ये पानी के स्रोत के पास ही होते हैं, और ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ना कोई छलावा है जो आपके साथ लग गया है। आपके एक चाइल्ड की एनर्जी है आप में, आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन यहाँ पर आप मैरिड नहीं दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि पानी की किसी जगह के पास आप गए हैं और वहीं से इस छलावे को आपने अपने साथ आमंत्रण दे दिया है, इसीलिए आप यहाँ पर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। यहाँ पर आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स हैं, आपके गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, किसी ऐसे पर्सन की शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पर जो वो छलावा है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से धोखा देकर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकस्टैब कर रहा है, यहाँ पर ये छलावा अलग अलग फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने से कोई बकरी का बच्चा सामने से जाएगा, वो भी छलावा ही है, और वह आपका डायरेक्शन खराब कर देगा जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो छलावा बहुत ही खतरनाक होता है जो आपके साथ लग गया है और वही आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। टू ऑफ वॉन्स आया है यहाँ पर, तो इस एनर्जी से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पेरेंट्स द्वारा दी गई एनर्जीज है उनसे आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में है। ज़्यादा समय तक ये एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, एम्परर इज इन रिवर्स, तो यहाँ पर आपको जो भी एनर्जी है इससे अपने आप को सुरक्षित करना होगा। यही यहाँ पर कार्ड्स है, सभी कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट में है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे ही कार्ड्स रिवर्स में हैं, तो ऐसा होता है कि जो कार्ड्स अपने आप को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं।
यहाँ पर जब आप बातें करते हैं तो ये आपकी बातों को सुनते हैं जो ये कार्ड्स हैं, और आपकी बातों को सुनकर उनका जवाब देते हैं। ये एनर्जीज हैं और ये जो बताती हैं ये हमें आगे के लिए अलर्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने संदेश दिया है उसे सीरियसली लें। अगर आपको अपने लिए माता की मंत्रित पोटली चाहिए अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली। सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। जय माता दी।